आप देख रहे हो टेक्नो से आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि जो आईफोन है आप आईफोन ही बाय करो तो आपको आईफोन क्यों बाय करना चाहिए, आपको जो आईफोन होते हैं वो बाय क्यों करना चाहिए। तो मैं आज एक ले लो क्या एक ये कंपैरिजन वीडियो है एंड्रॉयड और आईफोन के बीच में कि आपको आईफोन ही क्यों बाय करना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये एक टैबलेट है फिर भी मैं ये एक एंड्रॉइड डिवाइस है लेकिन मैं आपको इसकी फोटो क्वालिटी दिखाऊंगा। मैंने इसमें भी एक फोटो क्लिक किया है, मैं इसमें एक फोटो क्लिक करता हूँ और अब मैं इसमें एक फोटो क्लिक करता हूँ। तो अब मैं आपको इन दोनों के फोटोज दिखाऊंगा। अब देख ही सकते हो कि ये जो पहला वाला फोटो है वो ये मेरे टैबलेट का है, उसकी क्वालिटी सिर्फ आप देखिए कि इसकी क्वालिटी कितनी खराब है और इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आईफोन का, तो आईफोन का फोटो देख लो कि आईफोन के फोटोज इतने बढ़िया आते हैं, कितना अच्छा क्वालिटी का है वो। और मतलब आप ले लो कि बहुत ही ढांसू एकदम इसके फोटोज है। और अब हम दूसरी बात कर लेते हैं वो है इसमें होता है गूगल असिस्टेंट और इसमें होता है सीरी। हे सीरी, व्हाट आर यू डूइंग? वेल राइट नाउ आई एम टॉकिंग विद यू। आपने देखा है कि सीरी 24 आवर्स अवेलेबल है। और दूसरी अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें सीरी और गूगल का, तो सीरी मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि मेरे पास दो दो XR है और मैंने दोनों को ही यूज किया है। मतलब यूज दो दो XR है, मतलब यूज तो दोनों को ही किया है। और मेरा कंपैरिजन में इसको भी यूज करता हूँ, इसमें भी गेम्स खेलता हूँ और मेरा कंपैरिजन आईफोन में बेस्ट है। और हम दूसरी बात कर ले कि आपने कल जाके एक मैं इस वीडियो में किसी भी फोन का नाम नहीं लूंगा। लेट सपोज एक X कंपनी का फोन लॉन्च हुआ और आपने वो 40,000 में बाय किया, 45,000 में बाय किया, तो वो मोबाइल आपने 45,000 में बाय किया और बाद में उससे अच्छा तो आप XR ही बाय कीजिए। मेरे को ये XR 45,000 में पड़ा है और ये वाला XR जब मैं लॉन्च हुआ था तब लाया था और दूसरा जो है वो मैं अभी लाया हूँ, तो दूसरा मेरे को 45,000 में पड़ा था। ये जब लॉन्च हुआ था तब ये मुझे 80,000 में पड़ा था, लेकिन वो बात है नहीं। 45,000 का फोन लो, उससे अच्छा आप XR लो क्योंकि XR में कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी फोटोज। और XR की बात ही नहीं है, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max इन सब में भी फोटोज अच्छी आती है। लेकिन अगर आपका बजट हो 50,000 का तो आप बाय कर सकते हो एक XR, और अगर आपका बजट हो 60,000 का तो आप बाय कर सकते हो एक आईफोन 11 नॉन प्रो मॉडल। और अगर किसी का बजट नहीं है, अगर किसी का बजट है 10,000 रुपीज का, अगर आपको मतलब ये मेरा टैब है और ये मेरे हाथों से गिर गया, अपने आप ले लो ये मेरे हाथों से मैंने यहाँ पे गिरा दिया और मेरे पास अब कोई डिवाइस नहीं है, मेरे को नया जल्दी लाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए इमरजेंसी है। अगर ऐसा है तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, 10,000 का आपका बजट है, तो फिर आप मैं आपको नहीं बोलूंगा कुछ। लेकिन आपका बजट है और आपको नया फोन लाना है, कोई आपका फोन बोन टूटा नहीं है, कोई आपका टैब नहीं टूटा, तो फिर आप मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आईफोन बाय कीजिए। दूसरी जो बात होती है वो है मैंने इस सिक्योरिटी की, मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है, मैं इसको पासवर्ड अभी एंटर करता हूँ, मैंने एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे ये ओपन किया तो इसमें बहुत देर लगती है। और अब हम इसको ओपन करेंगे, इसमें भी पासवर्ड डाला हुआ है और ऐप स्टोर, ये रहा है ऐप स्टोर, ये कितने जल्दी ओपन हुआ। अब देख सकते हो ये कितने जल्दी ओपन हुआ है कंपैरिजन टू दिस, आप देख रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। और दूसरा भी एक नया फीचर आईफोन में आया है,
अभी इस ये फीचर वन ईयर ही हुआ है, ये एप स्टोर में आया है कि आप इसमें आर्केड एप्पल आर्केड खेल सकते हो। इस वन मंथ फ्री ट्रायल आपको इसमें मिल जाएगा, वन मंथ फ्री ट्रायल आपको इसमें मिल जाएगा और बाद में आपको 100 rupees पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा इसके गेम्स खेलने के लिए। तो आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आज का बोल आपके लिए ये है, तो फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एप्पल आर्केड के ऊपर। तो चलिए हमारे वीडियो के और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरी बात ले लें कि जो इसमें सिक्योरिटी की तो बात है ही, दूसरा इसमें लगा हुआ है A12 बायोनिक चिप, इसमें A12 बायोनिक चिप लगा हुआ है। और इसमें हम ले रहे, इसमें मुझे पता नहीं है कौन सा प्रोसेसर लगा, पर इसका प्रोसेसर मैं इसको बहुत ही साल से यूज कर रहा हूँ, करीब करीब मेरे को 5 साल हो गए इसको यूज किए हुए, मैं इसको 5 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही हैंग होता है, हम ले ले बहुत ही लीक मारता है। अभी बीच में एक महीने पहले की बात ले लो कि मैं यार इसमें गेम खेल रहा था और ये चल नहीं रहा था, एकदम से कुछ हो गया, मैंने ऐसे मारा ना तो ये शट डाउन हो गया। और बाद में मेरे को हुआ ये क्या हो गया, ये क्या होगा, आपको आईफोन में कभी ऐसा आपको ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप एक एंड्रॉइड फोन लोगे तो आपको ऐसा फेस करना होगा ही, क्योंकि एंड्रॉइड के फोन बहुत ही लीक्स मारते हैं, बहुत ही हैक्स होते हैं उसके फोन। और हम बात करें आईफोन की, तो मेरा कभी ऐसा हुआ होगा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट मैंने मारा ही नहीं है रिस्टार्ट, अभी तक यूज किया तो मैंने रिस्टार्ट अपने आईफोन को मारा ही नहीं है, और इसको मैंने अभी पिछले महीने ही रिस्टार्ट हुआ था, पूरा रिस्टार्ट कर दिया था इसको, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पॉज हो गई थी जब मैं गेम खेल रहा था, तो और शट डाउन भी हो गया था। बाद में मैंने इसको 2 दिन तक चार्ज किया। और इसकी हम बात कर लेते हैं दूसरी एक बात कि मैंने ये आईफोन को रात को चार्ज करके रख दिया, तो बाद में सुबह तक ये फुल चार्ज हो जाएगा। और इसमें ये आईफोन इतना स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिकली जब फुल चार्ज 100% चार्ज हो जाता है, आपका अगर बैटरी 80% हो, आपका बैटरी 1% हो, जितना भी परसेंट हो, बस जब ये 100% हो जाएगा तब ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाएगा चार्जिंग। और इसकी बात कर लूं कि मैं एक दिन इसको चार्ज करके स्कूल में चला गया था मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए, और बाद में जब मैंने घर पे आके देखा तो ये पूरा गर्म हो चुका था। तो ये प्रॉब्लम आपको आईफोन में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज का पोल, जैसे कि मैंने आपको बोला, एप्पल आर्केड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात कि जो पिछला पोल था सबको बहुत ही पसंद आया, हमने बोला कि ऐसे ही टॉपिक्स लेके आओ, सबको बहुत पसंद आया था, तो अब से मैं ऐसे ही टॉपिक्स लेके आऊंगा आपके लिए। और जो दूसरी बात है, जो टीवी में था, जो टीवी वाला वीडियो था इवोल्यूशन ऑफ टीवी, उसमें वो वीडियो यूट्यूब में से कट हो चुका था पिछला भाग, तो मैं आपको बोल देता हूँ कौन सा वो था। सबने बोला था मर्क्यूरी टीवी, मुझे नहीं पता ये टीवी कौन सा है, तो सबने मर्क्यूरी टीवी लिखा था, तो ये अभी भी मुझे नहीं पता कि ये कौन सा टीवी है। तो स्टिल देन गुड बाय।